हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी लाई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, पर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो आइए देखते हैं हमारी रेसिपी और उसके इंग्रेडिएंट्स को। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का आलू लिया है जिसे मैंने उबाला है, एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बारीक काटा है, नमक स्वादानुसार, एक बारीक कटा हुआ टमाटर और ब्रेड। अब हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जब ये तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल चली नहीं जाती। आप अपनी पसंद का कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हो। आप चाहे तो इसमें मशरूम भी डाल सकते हो। इसे पहले अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये पक गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। जब हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाए तब हम इसमें आलू डालेंगे। आप आलू को मैश करके डाल सकते हो या ऐसे भी डाल सकते हो जिसे मैंने डाला है। मैंने आलू के बारीक टुकड़े बनाए हैं और इसमें डाला है। अब जाएगा थोड़ा सा नमक। अब हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। ये देखिए, हमारी सब्जी पक गई है। चलिए अब हम बनाते हैं हमारी स्पेशल ग्रीन चटनी। इसके लिए हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ कोकोनट, धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक, इमली, इमली नहीं है तो आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हो, और स्वादानुसार नमक। ये सब हम एक एक करके मिक्सी में डालेंगे और इसे अच्छे से पीसेंगे।
ये देखिए मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। हमारी चटनी तैयार हो गई है। बैटर बनाने के लिए हमने 2 कप बेसन लिया है, थोड़ा सा पानी, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला 2 टेबलस्पून। अब हम एक बाउल में बेसन लेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे। इसके बाद हम उसमें गरम मसाला डालेंगे, नमक, इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे। एक ही बार में सारा पानी नहीं डालना है, एक हाथ से पानी डाल के एक हाथ से ऐसे इसको मिलाना है। इसको आपको अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। चलिए अब हमारे सैंडविच टोस्ट की फिलिंग को बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड को सॉस लगाया है, उसके ऊपर से हम सब्जी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर से और एक ब्रेड लगाएंगे। अब पैन में तेल गरम करेंगे। जब तक आपका तेल गरम नहीं होता तब तक इसको बैटर में डिप नहीं करना है। तेल गरम हो गया है, चलिए अब हम बैटर में इसको रोल करेंगे। ब्रेड को पहले ही बैटर में डिप करके नहीं रखना है, नहीं तो ब्रेड पूरा बैटर सोक करेगा और आपके टोस्ट अच्छे नहीं बनेंगे। बैटर में डिप करने के तुरंत बाद हमें इनको पैन में फ्राई करना है। बस 2 से 3 मिनट के लिए ही इनको फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। इनको दोनों साइड से पकाना है। चलिए अब इन्हें दूसरी साइड से तलते हैं। चलिए अब इसी तरह से हम बाकी के ब्रेड भी बनाते हैं। आपको अगर इन पे सॉस नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो।
चलिए अब इन्हें प्लेट में निकालते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।